अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आए आपके आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी से अनस्पाइसी मैक्रोनी, ठीक है। हमें वेजिटेबल में कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज चाहिए, अनियन और चिकन, ठीक है, और मैक्रोनी। मैंने यहाँ 7 स्पाइसेस मैक्रोनी लिए। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, ठीक है। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की डालूंगी, यहाँ अदरक लहसुन ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें मसाला डालूंगी, और मसाला मैंने 7 स्पाइसेस के अंदर जो मैक्रोनी के अंदर होता है ना मसाला, मैंने वही यूज़ करना है। मैं पूरा पैकेट नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ 3 स्पून मसाला यूज़ करूँगी, ठीक है। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, थोड़ी भुनाई करूंगी इसकी, और अब मैं इसमें कैरेट ऐड करूंगी। कैरेट को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर दिया है। 1 मिनट तक मैंने इसको पकाना है। एक मिनट के बाद मैं इसमें कैबेज ऐड करूंगी। कैबेज को भी मैंने बारीक बारीक कट कर दिया था, और इसकी बुनाई भी मैं 1 मिनट तक ही करूंगी, ठीक है। आप सब ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, और प्लीज़ प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 1 मिनट हो गया है, और 1 मिनट के बाद मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड करनी है, और कैप्सिकम को मैंने बारीक बारीक कट कर दिया था, ठीक है। मैक्रोनी का पानी बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी, और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। और यहाँ मैं अब इसमें अनियन ऐड करूँगी, और अनियन को मैंने सर्कल शेप में कट किया था। अब ये यहाँ बिल्कुल रेडी है। अब मैक्रोनी चेक करते हैं, हमारी मैक्रोनी भी बिल्कुल रेडी है। चलें अब मैं इसको निकालती हूँ, और ये देखें अब मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करूँगी, और इनको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। और ये देखें जी मज़ेदार किस्म की मैक्रोनी, 7 स्पाइसेस मैक्रोनी हमारी रेडी है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सबकी मैक्रोनी कैसी बनी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह।